हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ सर्टेन वेट ऑफ एन अलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स्ड विद 3 किलोग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 90% सिल्वर बाय वेट। एक अलॉय है, हमें उसका वेट नहीं मालूम है, लेट अस से वो है एक्स किलोग्राम। वो सिल्वर एंड कॉपर का अलॉय है, लेट अस से उसमें सिल्वर वाई परसेंट है। इसमें हम 3 किलोग्राम ऑफ प्योर सिल्वर मिक्स करते हैं। प्योर सिल्वर में 100% हम यहां कहेंगे सिल्वर है। ऐसा करने पर जो रिजल्टिंग अलॉय है उसमें 90% सिल्वर बाय वेट होगा, 90% सिल्वर होगा। ये एलिगेशन एंड मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर हम डिफरेंस निकाल के और ऑपोजिट साइड लिख देते हैं। ये वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस हम यहां लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस हम इस तरफ लिखेंगे। ध्यान रखिए, डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होता है। 100 माइनस 90 करने पर ये 10 हो गया। यहां पर हमें 90 माइनस y करना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज जो है वो हमेशा बाउंड्रीज के विदिन रहता है, कभी भी वो लोअर से लोअर और हायर से हायर नहीं होता है। क्योंकि 90 100 से कम है तो वाई से ज्यादा होगा। हम यहां लिखेंगे 90 माइनस y, और ये रेशियो है एक्स किलोग्राम और 3 किलोग्राम। तो यहां से हमारे पास में सबसे फर्स्ट कंडीशन आ गई है, 10 डिवाइडेड बाय 90 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। सॉल्व करते हैं, 30 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 30 अपॉन एक्स। एक कंडीशन हमें यहां पर और दी गई है, इफ द सेम वेट ऑफ द इनिशियल अलॉय यानी एक्स किलोग्राम मिक्स विद 2 किलोग्राम ऑफ अनदर अलॉय, अब ये 3 की जगह 2 किलोग्राम हो गया है, विच हैज 90% सिल्वर बाई वेट। यहां अब 100% सिल्वर नहीं है, 90% सिल्वर है बाई वेट। द रिजल्टिंग अलॉय विल हैव 84% सिल्वर बाई वेट। तो ये 90% नहीं होगा, ये अब 84% होगा। वापस हम यही काम करेंगे, डिफरेंस लेके अपोजिट साइड लिखेंगे। 90 माइनस 84, ये हो गया 6, और यहां हम लिखेंगे 84 माइनस y। अगेन 6 डिवाइडेड बाय 84 माइनस y इज इक्वल टू x अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, 12 अपॉन x इज इक्वल टू 84 माइनस y, या y इज इक्वल टू 84 माइनस 12 अपॉन x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। दोनों को इक्वल कर दें, 90 माइनस 30 ओवर x इज इक्वल टू 84 माइनस 12 ओवर x। 84 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, 6 इज इक्वल टू 18 ओवर x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम चाहें तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। यहां बस थोड़ी सी सावधानी आपको क्या रखनी होगी, जैसे 90 और 84 का डिफरेंस 6 है और फर्स्ट केस में 100 और 90 का डिफरेंस 10 था, तो आप ऐसा नंबर चुने जो 6 और 10 दोनों से डिविजिबल हो। सारे ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन हमें ये 3 kg नजर आ रहा है। इसको क्रॉस चेक करते हैं, मान लीजिए यह हम 3 kg लिखते हैं, तो 90 माइनस 84 6 हो गया, क्योंकि ये 3 है तो ये वैल्यू इसका डबल हो गई। तो यहां पर ये वैल्यू 2 का डबल होनी चाहिए, 84 का डबल 2 का डबल यानी ये 4 तब होगी जब ये वैल्यू y की वैल्यू 80 हो। सो 84 माइनस 80 करने पर 4 आ गया, ना आप देखेंगे रेशियो 6:4 इज नथिंग बट 3:2। अब इसको फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई करें तो 90% की जगह ये था 100% और ये 84% की जगह था 90%। डिफरेंस लेते हैं तब ये वाली क्वांटिटी 2 kg ना होकर 3 kg थी। 100 माइनस 90 इज 10, 90 माइनस 80 इज 10, यानी ये रेशियो 1:1 होना चाहिए और हम देख सकते हैं कि ये रेशियो 1:1 था। तो कई बार ऑप्शंस के थ्रू भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, समय कम होता है, तो समझदारी होती है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके को अपनाएं, उसमें क्वेश्चन को सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।